दोस्तों, मैं हूं सैयद खिज़र अब्बास, आप देख रहे हैं चैनल के एसवी हाड़ी, जिसमें आप देख सकते हैं मुख्तलिफ किस्म की वीडियोस खास तौर पे क्रिकेट के हवाले से। तो आप इसे हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, शुक्रिया। बॉलर हैं महर अजीज, जबकि सामना करेंगे नदीम। आज का दूसरा मैच सौरम और सुल्तान वर्सेज अठंगल बादशाह। बहुत ही तेज बॉल था, कैच नदीम मोठी का, कीमती विकेट थी। कैच इज विन द मैच बहुत ही महंगे साबित हो सकते हैं। नदीम मोठी ताजिद ने क्या ना को ये कैच छोड़ना महंगा पड़ सकता है। फेसिंग पे है नज़ाकत अठंगल, बहुत ही पेस के साथ बॉल की और अच्छा शॉट नज़ाकत अठंगल के बल्ले से। गेंद सीमा रेखा से बाहर। महर अजीज पहले ओवर का खेल जारी, बहुत ही पेस के साथ बॉल की लेग की जानब खेल दिया, एक रन का इशारा। पहले ओवर का खेल जारी, स्कोर बढ़ता हुआ 10। महर अजीज फोल्टस बॉल, अंपायर का इशारा देखना होगा, वाइड बॉल। महर अजीज बहुत ही पेस के साथ बॉल की, बिल्कुल मिस के। नदीम ओठी खूबसूरत बॉल लेकिन गलत बॉल थी, अंपायर का इशारा वाइड। महर अजीज बहुत ही पेस के साथ बॉल की, लेके जाने खेल दिया, एक रन का इजाफा। पहले ओवर के काम पे अठंगल बादशाह का बढ़ता हुआ स्कोर 13। दूसरे ओवर के लिए आए हैं फरहान फानल, ऐसे जूडी सिंह का ताल्लुक है, अच्छे ऑलराउंडर हैं। फेस करेंगे नदीम मोठी और उनका साथ दे रहे हैं नज़ाकत अठंगल। अंपायरिंग की फ्राइज सर अंजाम दे रहे हैं खिज़र भट्टी और उनका साथ लेग अंपायरिंग की फ्राइज सर अंजाम दे रहे हैं मियां मलिक हबीब। दूसरे ओवर के लिए फरहान फाना, अच्छी बॉल और उतना ही अच्छा छक्का, लंबा तरीन इस टूर्नामेंट का सबसे लंबा छक्का नदीम मोठी के बल्ले से, कोई रियायत नहीं है। फरहान फाना खूबसूरत शॉट स्ट्रेट की जानिब खेल दिया, एक रन का इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 20। फेस करें नज़ाकत अठंगल, स्लो बॉल स्ट्रेट की जानिब खेल दिया, एक रन का इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 21। नदीम फेस करें, खूबसूरत बॉल थी, एज हुए लेकिन कोई रन नहीं मिलेगा। फरहान फाना खूबसूरत शॉट, रॉकेट शॉट, दो छक्के लगा चुके हैं फरहान फाना को। नदीम ओठी स्कोर बढ़ता हुआ 27। खूबसूरत शॉट, एक ही ओवर में तीन छक्के लगा दिए नदीम ओठी ने फरहान फाना को। खूबसूरत अंदाज से बैटिंग करते हुए किसी तारीफ के मोहताज नहीं नदीम ओठी। कभी कभी नदीम ओठी की बैटिंग चल जाती है, इसलिए एक ओवर में तीन चार छक्के ऐसे ही लगा देते हैं। अच्छी टकोर महर अजीज तीसरी ओवर की, बहुत ही पेस के साथ बॉल की, बिल्कुल समय के नज़ाकत अठंगल। अच्छी बॉल और स्ट्रेट की जानिब खेल दिया, उड़ता हुआ शॉट, फील्डर नीचे मौजूद है, देखना होगा और कीमती विकेट हासिल की। महर अजीज अच्छी बॉल, डॉट बॉल, अजीज तीसरी ओवर की, खूबसूरत बॉल, एज हुआ, आउट की भी लेकिन मलिक हबीब का इशारा नॉट आउट, लेग बाई का इशारा हो सकता था। महर अजीज बहुत ही अच्छी रॉकेट बॉल, यॉर्कर बॉल, बहुत ही तेज यॉर्कर किया, गेंद सीधा नदीम मोठी के पाँव पे, बहुत ही स्पीड के साथ, होश के साथ खेलना होगा, बहुत ही पेस के साथ बॉल करवा रहे हैं। फोल्डस बॉल स्टेट की जानिब खेल दिया, एक रन का इजाफा। तीन ओवर के हिसाब पे बढ़ता हुआ स्कोर 34। बहुत ही ब्रेक हुआ, बिल्कुल न समझ के बॉलर है वसीम, चकमा दे दिया नदीम मोठी को, वसीम फ्राम दौलताबाद। फेस करें नदीम मोठी, सीनियर की रिस्पेक्ट करने वाले वसीम, अंपायर को क्रॉस किया, खूबसूरत शॉट लेग की जानिब, अंपायर का इशारा देखना होगा, दो रन। ग्रामी का दिल किया था वसीम, शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत ही अच्छी बॉल लेकिन अंपायर मिस्टर भट्टी का इशारा, वाइड बॉल। वसीम एक दफा फिर, खूबसूरत शॉट, कोई चांस नहीं है फील्डर के लिए, 6 रन। स्कोर बढ़ता हुआ 42। स्लो बॉल, डेड बॉल, अच्छा लक नदीम मोठी का, लाइट में जाके लगी खूबसूरत बॉल, थर्ड मैन की जानिब, दो रन का इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 45। चौथे ओवर का खेल बॉल जारी, नदीम मोठी स्लो बॉल जज करके लेग की जानिब खेला, दो रन, स्कोर बढ़ता हुआ 47। खूबसूरत शॉट ऑफ की जानिब खेल दिया, फील्डर नीचे मौजूद है, देखना होगा, ड्रॉप किया कैच, एक रन आसानी के साथ मुकम्मल किया। पांचवें ओवर के लिए फरहान फाना, अच्छी बॉल, एज हुआ थर्ड मैन की जानिब, दो रन,
बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट हो रहा है, काफ़ी दूर से लोग आए हुए हैं। अच्छी बॉल, डॉट बॉल, अच्छा कमबैक फरहान फाना की जानेब से। पहले ओवर में नदीम ओठी ने लगातार 3 छक्के लगाए थे फरहान फाना को, लेकिन इस ओवर में अच्छी बॉलिंग करवा रहे हैं, अच्छा कमबैक कर रहे हैं। इनका साथ नदीम ओठी फेस कर रहे हैं फरहान फाना का, स्टेट की जानेब खेल लिया, टीम सीधी फील्डर के हाथों में फेसिंग पे आए। आफ्ताब स्वरूप बहुत बड़ा नाम क्रिकेट की दुनिया में, बहुत ही अच्छे बैट्समैन हैं आफ्ताब स्वरूप, काफ़ी अर्सा क्रिकेट की दुनिया से गायब रहे हैं, इनका एक बहुत बड़ा नाम है क्रिकेट में। फेस करेंगे फरहान फाना को, फुलटस बॉल अंपायर का इशारा देखना होगा, नो बॉल, फरहान फाना फुलटस बॉल लेके जाने फील्ड किया, गेंद सीधी फील्डर के हाथों में, एक रन का इजाफा। फरहान फाना फेसिंग कर रहे हैं, नदीम ओठी अच्छी बॉल स्टेट की लेग की जाने खेल लिया, फील्डर नीचे मौजूद है, देखना होगा ड्रॉप क्या कैच, 2 रन का मजीद इजाफा। 5 ओवर के अख्ताम पे बढ़ता हुआ स्कोर 53, अच्छा कमबैक किया है सौरभ और सुल्तान के बॉलर्स ने। शुरू शुरू में धुआंधार बैटिंग की थी नदीम ओठी ने, लेकिन बाद में दुक्के सिंगल पे हिसाब किताब रखा। लेकिन आखिरी ओवर है साजिद नकियाना का, कैप्टन है सौरभ और सुल्तान के, तो जिम्मेदारी के साथ नदीम ओठी को बैटिंग करना होगी, 20-25 रन लेने होंगे इस ओवर में, एक लंबा टारगेट देना होगा। खूबसूरत बॉल बिल्कुल न समझ के नदीम ओठी, क्योंकि सौरभ और सुल्तान की तरफ से बैटिंग पे हैं फरहान फाना, बहुत बड़े प्लेयर हैं, बहुत बड़ा नाम है इनकी इनका। दूसरे कैप्टन आ जाए, छठे और आखिरी ओवर का खेल जारी, अच्छी बॉल लेग की जानब खेल दिया, फील्डर नीचे मौजूद है, देखना होगा, आसान कैच है और कीमती विकेट हासिल की नदीम ओठी की। बैटिंग पे आए हैं अब्दुल रजाक 67, WBC का तालुका, अच्छा यार्कर साजिद नकियाना का, बिल्कुल न समझ के अब्दुल रजाक, काफ़ी एक्सपीरियंस वाले बॉलर हैं साजिद नकियाना, कैप्टन भी हैं, अच्छी बॉलिंग बैटिंग करते हैं, अच्छी बॉलिंग करते हैं, बहुत ही तजर्बाकार बॉलर हैं, धीमे कदमों के साथ स्टेट की जानिब खेल दिया, देखना होगा कैच हो सकता था, लेकिन अंपायर का इशारा 6 रन। अब्दुल रजाक खूबसूरत फ्लिक लेग की जानेब खेल दिया, कोई चांस नहीं है फील्डर के लिए, 6 रन। साजिद नकियाना एक दफ़ा फिर, ओ शॉट पिच बॉल थी, थर्ड मैन की जानेब 2 रन का मजीद इजाफा, बढ़ता हुआ स्कोर 67-68 का टारगेट दिया है अठंगल बादशाह ने सौरभ और सुल्तान को। तो क्या मोबाइल की बैटरी बिल्कुल लो हो चुकी है, तो इसलिए ये फर्स्ट इनिंग्स ही बन पाई है इसी मैच की, तो पाकिस्तान जितना